दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से विक्रांत व्लॉग्स में। उम्मीद करते हैं आप सब एकदम फिट चकाचक चंगे होंगे। तो जहां से पिछली वीडियो खत्म हुई थी उसी के आगे से स्टार्ट होती है ये आज की वीडियो। हाँ थोड़ी सी लंबी जरूर हो गई है, लेकिन ये लंबी इसलिए हो गई है क्योंकि हमने कोशिश की आपको वो एक हर चीज़ दिखाने की जो कि जॉर्ज एवरेस्ट तक जाने में आपके काम आएगी। चलो हमें जो जानी है वो ये है, ये आप देख पा रहे हैं इस पीक पे अभी हमें जाना है ऊपर। तो अपनी जर्नी हो चुकी है स्टार्ट। अब स्कूटी हमने ले ली है, अब हम लोग थोड़ा सा रुके हैं एक जगह पे चाय कॉफी पीने के लिए। मतलब ये कॉफी पियेंगे, मैं चाय गरीब आदमी भाई सब चाय पीता हूँ। अब हम लोग यहाँ से देख रहे हैं आप सड़कें कितनी जबरदस्त है, मजा आ रहा है एकदम यहाँ पे ड्राइविंग करने में, इतनी गजब। बस ये है साथी थोड़ा सा ऐसे ही है, साथी कोई अच्छा खूबसूरत हसीन होता साथी नहीं है ना साथी नहीं ऐसे में बड़ा सख्त लौट रहा हूँ, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया क्योंकि भाई साहब देखो ऐसे पहाड़ों पे तो मजा तो भाई साहब वही आता है जब कोई कपल आ रहा हो। अब ये सांड सांड साले जैसा जैसा ये फील कर रहा है वैसा ही मैं भी फील कर रहा हूँ। लेकिन क्या करें भाई साहब, अपने पास कुछ नहीं हो सकता हम लोगों का। लेकिन चलो एंजॉय तो करना ही है, घूमना है फिरना है। और भाई साहब नज़ारे बहुत गजब है, देखो आप पीछे का भी दिखाते हैं आपको। ये देखिए आप देख रहे हैं आप मेरे पीछे का नज़ारा क्या गजब सुंदर। अभी धीरे धीरे आगे और ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे, ये देखिए। चलो बने रहो साथ में, देखते रहो हमारी ड्राइविंग स्किल्स भी। देखो अब ड्राइविंग करते हुए वीडियो बनाना थोड़ा हानिकारक है, पहाड़ है खतरनाक, खाली में वीडियो हमारी नीचे जाने की बन जाए इसलिए कम ही कम बनाएंगे। झारखंड से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी चल के हम लोग ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे 28 किलोमीटर बाद आपको ये बोर्ड दिखेगा पहाड़ों की रानी मसूरी में आपका स्वागत है। तो यहीं से आपको मिलेगा जॉर्ज एवरेस्ट का रास्ता, एक रास्ता इधर सीधे भी गया है जो दूसरा ये जाता है आपका मसूरी की तरफ। तो हमें चलना है इस तरफ, चलते हैं आओ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा ड्राइवर की अदला बदली हो चुकी है और प्रो राइडर सुखी साहब गाड़ी चला रहे हैं, मतलब कि स्कूटी चला रखा है। और वैसे भाई है नीचे और राइडर है प्रो, जान हथेली पे लेके हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। कोई नहीं भाई साहब, जब बोले बुलाएंगे तो पहुँच जाएंगे वरना नहीं पहुँचेंगे। आगे आप लोग नज़ारे देख सकते हैं, क्या सुंदर खाइयाँ है, मतलब पहाड़ है। सॉरी अभी हमारा बस सफ़र पूरा होने ही वाला है, हम लोग जॉर्ज एवरेस्ट की क्या कहते हैं ट्रैकिंग स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचने ही वाले हैं। ओनली 7 किलोमीटर लेफ्ट, धीरे धीरे पहुंच जाएंगे आराम से हौले हौले चलाते हुए। एक दिन का ट्रिप अगर आपको करना तो इससे अच्छी जगह आपको मिलेगी नहीं। देखो पहाड़ों की रानी में है इस टाइम हम लोग, मसूरी जो कि जगह है उसे कहा जाता है पहाड़ों की रानी। तो हम लोग पहाड़ों की रानी और उत्तराखंड यानी कि देवभूमि दोनों जगह पे आ चुके हैं और जगह है सेम। पीछे ये है मनमोहक नज़ारे और हमारी पहाड़ों पे चल रही है जो ड्राइविंग, आनंद ही अलग है। अपनी लगा है ट्रिप वसूल हो गई, ठीक है अच्छी कर दी, थोड़ी हेक्टिक है भागा दौड़ी है लेकिन मस्त है मज़ेदार। पहुंच चुके हैं हम लोग सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस के, समझ लीजिए बस इस ट्रैक स्टार्ट हो रहा है अपना यहाँ से। और ट्रैक का कितना लंबा है ये कुछ भी नहीं बता सकते क्योंकि सबने अलग अलग बताया हुआ है।
तो अभी हम लोग खुद देखेंगे जाके कि कितना लंबा है और क्या है। और यहाँ पे आपको देखो सर, जॉर्ज एवरेस्ट कौन थे, जिन्होंने अपने इंडिया का बनाया था नक्शा, और यहीं पे इनका जो हाउस है वहीं बनाया गया था वो नक्शा। अब भले वो पुरातत्व विभाग वालों ने कहीं और रख दिया है, और ये थे बहुत बड़े एक जियोलॉजिस्ट, तो इनके नाम पे ही जो माउंट एवरेस्ट आप लोग देखते हैं सुनते हैं वो माउंट एवरेस्ट इन्हीं के नाम पे रखा गया, सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे उनका माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट एवरेस्ट। अब चलते हैं, बाकी आपको आगे का दिखाते हैं। और यहाँ पे ये फ्री पार्किंग है, आप आइए स्कूटी या बाइक अपनी यहाँ खड़ी करिए। उसके अलावा ये पीछे थोड़ा सा मार्केट है, नीचे ही अगर आपने कुछ खाना पीना हो यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं खाते पीते चढ़ाई चढ़ना। अब हम लोग चलते हैं, और अभी बज चुका है 11:30, ऊपर पहुँच के बताते हैं आपको कितना टाइम लगता है हमें पहुँचने में और कितना डिस्टेंस है। चलो हमारी शुरू हो चुकी है, ट्रैक स्टार्ट हो चुका है, और हेलमेट लगा लगा के बालों की भी ऐसी तेजी हो गई है आप देख सकते हैं। आप चलो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा पार्क जो है वो है तो 1 किलोमीटर दूर, लेकिन चढ़ाई ऐसी है ऐसी सीधी खड़ी, तो थक मैं इतने में ही गया हूँ, इसलिए कहते कुछ एक्सरसाइज करते रहनी चाहिए और मोटापा फैला लो, घर बैठे बैठे कर लो वर्क फ्रॉम होम, तो उन बढ़ा लो चढ़ा बढ़ा जाए ना। ओफो बहुत मुश्किल है भाई, फिर भी हिम्मत करेंगे पहुँचेंगे भाई। Towards regret, I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. ये बन रहा है म्यूजियम, यहाँ पे सर जॉर्ज एवरेस्ट जी के हाउस का, ये हाउस हुआ करता था लेकिन अब ये म्यूजियम बन के तैयार होगा, तो लोगों के लिए पर्यटकों के लिए ये आने जाने के लिए सही जगह हो जाएगी। और जो पीक हमें जो जानी है वो ये है, ये आप देख पा रहे हैं, इस पीक पे अभी हमें जाना है ऊपर, तो जो अभी हम चढ़ के आए वो कुछ भी नहीं है। और ये वो जगह है जहाँ पे उन्होंने शायद इंडिया का जो मैप तैयार किया था वो यहाँ पे बनाया गया था, तो अभी मैं भी वहाँ पे भी जाके देखते हैं। अभी तो वहाँ पे कुछ नहीं है, सब कुछ ले गए पुरातत्व वाले, कहीं और रखा हुआ है सब संजो के। सही से पहुँच चुके हैं सर जॉर्ज एवरेस्ट जी के पार्क पे, मतलब पार्क है उनका हाउस कह लीजिए, ये अब बना दिया गया है पीछे, बहुत अच्छा नया ताज़ा बन रहा है सही से, ताकि लोग पर्यटक और ज़्यादा यहाँ पे आने के इच्छुक हों, क्योंकि पहले ये टूटा फूटा था, बहुत बेकार सा मतलब लगता था, ऐसे खंडर टाइप, लेकिन अब इसका विकास किया जा रहा है। यही है, हर चीज़ को अब टूरिस्ट प्लेस बनाना है तो उसका विकास ज़रूरी है, तभी तो टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे, आएंगे यहाँ का वो क्या कहते हैं टूरिस्ट वो बढ़ेगा और लोग पैसे आएंगे उत्तराखंड में, और एक्स्ट्रा पैसा बढ़ाए ना भैया। सही है, ऐसे यूपी की जगहों को भी टूरिस्ट प्लेस बना दो भाइयों, योगी जी से आग्रह करके, ताकि हमारे यूपी में भी पैसा आता रहे, टूरिस्ट आते रहें। अब हम लोग चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं वो जगह जहाँ पे जो वो ऑब्जर्वेटरी थी उनकी, कि जहाँ पे वो ये सब यहाँ पे आके ऑब्जर्व करते थे, वो जगह थोड़ा और ऊपर थी, कि उन्होंने यहीं से सारे हिमालयाज वगैरह जितने भी थे ऑब्जर्व करे थे और अपने मैप में उन्हें प्रकाशित किया था, दर्शाया था, तो वो जगह यहाँ है। अब आपको लेके चल रहे हैं वहाँ पे, ऑब्जर्वेटरी, रिस्पेक्ट नेचर। अब हम लोग नेचर को रिस्पेक्ट करते हुए ऑब्जर्वेटरी की तरफ बढ़ते, देख सकते हैं आप लोग कितनी मस्त जगह है। ओह, ये हुआ ट्रैक, छोटा छोटा स्टार्ट, ये देख लीजिए आप, और यहाँ से देखिए आप नज़ारा, ये है हाउस, ये है म्यूजियम तैयार हो रहा है, ये वो पार्क बना रखा है, और वो पीछे ऊपर जो चोटी दिख रही है
उस पे हमें जाना है। अभी हम आपको दिखाने आए हैं यहाँ पे इंडिया का मैप और नक्शा तैयार हुआ था, मे बी यहाँ पे कुछ लिखा हो इसके बारे में तो वो भी आपको दिखाएंगे। चलो एडवेंचर, अब हम लोग चढ़ने जा रहे हैं वो पीक। स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। अभी बज गया है 1:10 है, देखते हैं कितनी देर लगती है हमें वहां तक पहुंचने में। चलो टू जॉर्ज एवरेस्ट पीक ट्रैकिंग। और यहां पे आपको खाने पीने की दुकानें भी मिल जाती हैं, आगे भी हैं, और वो है हमारी पीक श्यूम। अब यहाँ से रास्ता स्टार्ट होगा स्टेयर्स वाला, यानी कि ये ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। अब इस पर चढ़ के हमें ऊपर तक जाना है। चलो देखो भाई साहब कितनी देर में पहुँचे, थक तो इतने में। एक तो सारी बिल्कुल सब कहते सीधी चढ़ी चढ़ाई है, खड़ी खड़ी हालत ख़राब हो जाएगी। वो तो आदमी देखो पहलवान आदमी चढ़ ही जा रहा है, मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, आदत दी है ना। चलो भाई धीरे धीरे हौले हौले पहुँच ही जाएंगे, चलते रहो। ये देखिए आप इतना सा रास्ता है, और इसके बाद पड़ोस में एक हाई है कि अगर ऊँच नीच हुई पैर फिसला तो सीधे ही ऊपर, मतलब इतनी भी नहीं सतह ही ऊपर। लेकिन हौले हौले हम चल देंगे। ये देख रहे आप सीढ़ियाँ चढ़ने गाय भी आ गई हैं, गौ माता सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर तक जाएंगी, किला फतेह करके आएंगी, हमसे पहले तो ये चढ़ जाएंगी। चलो दोस्तों बड़े ही आराम से टहलते हुए, बिल्कुल टहलते हुए हम लोग पहुंच गए। और ये नहीं था भाई, नहीं था। ऐसे भाई खाना खाने में टहलने आता है ना इंसान, बस। और ये है ऊपर वो पीक, ये और ये जो मजाक अभी चल रहा था ये इनके लिए था, क्योंकि इनके लिए वार्म अप है, ये करते रहते हैं। मेरे जैसा कमजोर आदमी जो खाली घर पे बैठ के पेट फुला रहा है आजकल, उसकी हालत हो चुकी खराब। मजाक नहीं, मतलब कैसा लग रहा है? ठीक है, मतलब चढ़ने में तो तकलीफ होती है यार, इतना सीधी सीधी खड़ी खड़ी चढ़ाई है, पैर दर्द हो गए, लेकिन अभी ठीक है, अब रिलैक्स हो गया। बस ये है कुछ, मतलब ये नहीं है कि हालत ही ख़राब हो जाए, कोई भी कर सकता है, मतलब जिसमें जरा सी भी हिम्मत है तो वो ये कर लेगा बहुत इजी। ठीक है, अब हम लोग ऊपर चढ़ते हैं। बस ये है पीक ऊपर, अभी जाते हैं वहाँ से आपको दिखाते हैं आगे का नज़ारा क्या है और कैसा है। चलो ऑलमोस्ट पीक ओवर कर लिया है, जरा सा रह गया बिल्कुल। और चाहे तो अगर शॉर्टकट, अगर भाई साहब जिनकी टांगों में बहुत ज़्यादा जान हो वो शॉर्टकट ले सकते हैं, हमारे सुखी पाजी जैसे लोग, क्योंकि एवरेस्ट कैफे, ओके ये कैफे भी बना हुआ है एवरेस्ट कैफे, यहाँ पे बिल्कुल पीक पे पहुँच के आप चाय की चुस्की का आनंद ले सकते हैं मेरी तरह। चलो अभी पहले ऊपर हो आए, फिर लौट के लेंगे जो भी आनंद लेना है। चलो भाई साहब ये देखिए आप जबरदस्त कैफे, आपको ऊंचाई पे पहुँच के जो फील आएगी ना, यहाँ पे बैठ के अगर आप चाय की चुस्कियाँ लेंगे या फिर कुछ खाएंगे पियेंगे, मतलब थक हार के बाद जो खाने पीने का आनंद है वो अलग ही है, और यहाँ पे बैठ के जो फील आएगी वो बिल्कुल ही अलग।
ऐसा लगेगा दुनिया कदमों में, आप हो ऊपर, बस मुंह में रजनीगंधा नहीं होनी चाहिए। सॉरी फॉर मिस गाइडेंस, अभी पीक आ नहीं गई है, अभी वो पीक रह रही है वहां तक है भाई, अभी और चढ़ना है। और चढ़ाई देख रहे हो आप लोग, बिल्कुल सीधी खड़ी चढ़ाई है कि मतलब ओहो मजा ही आ गया चढ़ने में। चले रहो कीप गोइंग ऑन, यू विल सक्सीड वन डे। और हम तो एक ही दिन में सक्सेस हो लेंगे, अभी देखो वहाँ पहुँच के अब तो ऐसी फील आ रही सच में माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे हो कि आदमी जाए वहाँ पे और अपना इंडियन फ्लैग हिंदुस्तान का झंडा लेके लहराए, वो वाली फीलिंग आ रही। बहुत छोटा ट्रैक है मानते हैं जो ट्रैकिंग करते हैं उनके लिए, पर हमारे जैसे न्यू कमर्स के लिए इट्स वेरी टफ। चलो चलते रहो, भी देखते हैं और कैसे पहुँचते हैं। चलो ये चढ़ने की प्रैक्टिस करता हुआ है लौंडा, बहुत ही बूढ़ों की तरह देख रहा है, आप लोग सहारा ले लेके चढ़ रहा है, जब इसका ये हाल है मेरा क्या होएगा। ओए ओपो, इट्स रियली टफ ब्रो, देख रहे हैं आप कितनी सीधी सीधी चढ़ाई। आहा, बहुत ज्यादा ही जल्दबाजी थी, अब खड़े हैं वहां पे इंतजार कर रहा नीचे कैसे आऊं। ओह आओ आओ आओ, मेन रास्ता एक्चुअली में ये है, ये देख सकते हैं आप, ये पीक पे देख रहे हैं लोग खड़े भी है, वो भाई शक्तिमान बड़ा खड़ा है। ऊपर गाने भी चल रहे हैं, टाट 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 टाट, वो देखो डांस भी हो रहा है, ये चपट डांस। ये अब हमें जाना है इस पे ऊपर, रास्ता आप देख रहे हैं है नहीं, बस पहाड़ों से हमें गुजरना है, रास्ता खुद बनाना है, जैसे नदियां पहाड़ काट के रास्ता बनाती है ऐसी हम। वी डिड इट, ये देखिए पहुंच गए हम सबसे ऊपर, मतलब इससे ऊपर वो आपको ऊपर वाली दिख रही होगी बट वो काफी दूर है, वो अलग है, इस एरिया में यही है सबसे ऊपर। तो हम लोग चढ़ चुके हैं जॉर्ज एवरेस्ट के ऊपर, फील भले ऐसी हो कि माउंट एवरेस्ट है, देखिए शाहरुख खान वाला पोज दे रहा लौंडा, बहुत खुश। ये आप सोचो इसके हाथ में ऐसे इंडिया का फ्लैग था और हमने माउंट एवरेस्ट पे जाके वो फहराया है, सेम फीलिंग, ठीक है, जस्ट इमेजिन, इमेजिनेशन पावर को अपनी बढ़ाइए। अब जब नीचे उतरेंगे तब दिखाएंगे, अभी यहाँ बैठ गए थोड़ा रिलैक्स करते हैं, चिल करते हैं। वैसे एक पेड़ लगा के जाना चाहिए था यहाँ पे, ताकि जब कोई आ जाए नेक्स्ट टाइम आए तो छाया भी मिलती रहे उसे यहाँ बैठने के लिए। चलो थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेते हैं, अब थक भी बहुत गए, थोड़ी सांस सांस भर ले फिर मिलते हैं। ओके kind of stuck between a rock and a hard place, do I work hard or live at my pace, you're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay, living life is doing lots of cocaine, wait no, it's living with no shame, wait no, it's sleeping in on Sundays, I guess it's different for each of us and it's okay, well I just want to be happy, how to get there, glad that you... Sir George Everest, apne log chadhaaye hai, yahan pe hum logon ne kam se kam nahi to ek ghanta bhi spend kar liya aur acha khasa spend kiya hai, matlab acha weekend nikal gaya, agar ek weekend ke tour ke liye agar aapko aana ho to aap yahan आ सकते हैं, कोई ट्रैक डिफिकल्ट नहीं है, जो फर्स्ट टाइमर भी मेरी तरह है न्यू कमर वो भी पूरा कर सकता है, बहुत ही आसानी से तो नहीं लेकिन हाँ कर लेगा, जैसे तैसे करके चढ़ाएगा। और अच्छी जगह एकदम मस्त, देख लो ठंडी ठंडी हवा चल रही, बाल उड़े जा रहे हैं अभी भी, और ठीक था एक्सपीरियंस, अच्छा था वीकेंड, अच्छा चला गया, हर बार की तरह आपको मंदिर नहीं इस बार कुछ अलग दिखाया है। तो प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कीप वॉचिंग विक्रांत व्लॉग्स, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, बाय। Your pretty eyes make me smile and you're